हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. दिस इज़ योर एजुकेटर मोनिका यादव एंड यू आर वाचिंग ब्रिलियंट बायोलॉजी. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्बुगो, जो कि एक डिजीज कॉजिंग फंजाई है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में. तो जो आपका एल्बुगो है, एल्बुगो में जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है वो दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है. पहला जो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो परफॉर्म करता है, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एल्बुगो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब कंडीशंस मानी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल मानी जाती हैं, या फिर किसी तरीके का ड्रॉट आ गया है, पानी नहीं है वहाँ पर, न्यूट्रिएंट्स नहीं है वहाँ पर, ह्यूमिडिटी नहीं है यहाँ पर. उस केस में एल्बुगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है. नॉर्मली जब सारी कंडीशंस अच्छी होती हैं, कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, एटमॉस्फेयर सब कुछ एल्बुगो के अकॉर्डिंग होता है, तब वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एल्बुगो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता रहता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग में अगर हम पढ़ें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया. तो आप लोग याद रखना, एल्बुगो में आपको क्या मिलता है, एल्बुगो में आपको कोनिडिया स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है एक लीफ है आपकी, लीफ में ऊपर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. एल्बुगो कहीं भी कोनिडिया आता है वो इस लीफ के ऊपर सेटल डाउन करता है और स्टोमेटा के अंदर से होके लीफ के इंटरनल टिश्यू में एंट्री लेता है. तो मान लीजिए ये लीफ थी, लीफ के ऊपर ओपनिंग थी और ये कोनिडिया आया, कोनिडिया लीफ के अंदर घुस गया है. अब हम लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है. तो लीफ में आपको पता है, लीफ में सबसे बाहर होती है इपिडर्मिस. तो ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है वो इपिडर्मिस है, इसे हम अपर इपिडर्मिस कहते हैं. और नीचे की तरफ होती है लोअर इपिडर्मिस, जो ये पूरी कंटिन्यू होती है पहले, बाद में ये रप्चर हो जाती है, उसे हम लोअर इपिडर्मिस कहते हैं. एल्बुगो कोनिडिया मैंने यहाँ पर रेड कलर से बनाया है, ये एल्बुगो कोनिडिया था जो कि अब जर्मिनेट करके अंदर आया है. जब ये अंदर आएगा तो ये अपना माइसीलियम हर तरफ लीफ की सेल्स में फैला दिया होगा. तो जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से बनाया है, ये लीफ की सेल्स में एल्बुगो का जो माइसीलियम है वो पूरा फैला हुआ है, इसे हम हाइफा कह सकते हैं, यहाँ पर लेबलिंग करके लिखा है. जब ये हाइफा मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ये जो इलोंगेटेड आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे इसे हम कहेंगे कोनिडियोफोर. जब एल्बुगो का हाइफी मैच्योर है तो वो कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करता है, और हर एक कोनिडियोफोर के ऊपर आपको राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसे हम कहते हैं कोनिडिया. तो एक्चुअली क्या होता है, जब इसका हाइफी अंदर आया, हाइफी अंदर आके मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद इसने इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए जिसे हम स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर कह सकते हैं. ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर क्या निकलेंगे, कोनिडिया निकलेंगे, छोटे छोटे से गोल गोल से कोनिडिया निकलते हैं. जब ये कोनिडिया निकलते हैं तो ये नीचे लोअर इपिडर्मिस की तरफ निकलते हैं, और प्रेशर की वजह से लोअर इपिडर्मिस बस्ट हो जाती है और कोनिडिया वहां से निकल के झड़ के आपको लीफ के पीछे ऐसे दिखेंगे जैसे व्हाइट रंग के कुछ पाउडरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. तो वो जो पाउडरी स्ट्रक्चर आपको लीफ के पीछे दिखते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्हीं कोनिडिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन कोनिडिया का अरेंजमेंट बहुत ही पिक्यूलियर होता है. ये कोनिडिया आपके बेसिपेटल मैनर में अरेंज होते हैं, आप लोग याद रखना. ये कोनिडिया कैसे होते हैं, बेसिपेटल मैनर में अरेंज होते हैं. मतलब आपको पता है, मान लो ये मैंने बनाया है यहाँ पर कोनिडियो फोर, इसमें जो पहला कोनिडिया निकलेगा वो यहाँ पर निकलेगा, लेकिन जब दूसरा कोनिडिया निकलेगा तो चेन ऑफ कोनिडिया निकलती है ना, इसमें चेन ऑफ कोनिडिया प्रेजेंट होता है. तो दूसरा कोनिडिया को जब निकलना होगा तो ये पहले वाले कोनिडियो को क्या करेगा, कहेगा भैया तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ, सेकेंड कोनिडिया आ रहा है. तो उस तरीके से करते करते आपका ऊपर वाला कोनिडिया, फर्स्ट वाला यहाँ चला गया, सेकेंड वाला यहाँ निकला, उससे छोटा यहाँ निकला, उससे छोटा यहाँ निकला. मतलब जो आपका बेस में निकला है वो यंग है अभी, और जो सबसे ऊपर टॉप में है वो मैच्योर है. ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेसिपेटल सक्सेशन. बेसिपेटल सक्सेशन का मतलब हो गया यंग कोनिडिया एट द बेस एंड मैच्योर कोनिडिया एट द टॉप. ये होता है आपका कोनिडिया का अरेंजमेंट. अगर हम एक स्ट्रक्चर को जूम करके बात करें तो इसमें सबसे पहले नीचे की तरफ जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये है कोनिडियो फोर जिसके ऊपर कोनिडिया लगेगा, इसे हम कह सकते हैं कोनिडियो फोर. इस कोनिडियो फोर के ऊपर आपको जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सारे कोनिडिया के हैं. ये कोनिडिया आपस में जॉइंट होते हैं तीन लेयर से, जिसे हम कहते हैं डिसजंक्टर, क्योंकि ये गोल गोल से हैं. अगर आप सोचो एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल को ऐसे रखते जाओगे, ऐसे ऐसे बॉल को रखते जाओगे तो गिरने का चांस है. इस वजह से ये आपस में जॉइंट होते हैं मेम्ब्रेन से, जिसे हम डिसजंक्टर कहते हैं. जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब डिसजंक्टर यहाँ से डिसॉल्व हो जाता है,
प्रेशर की वजह से यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और हर एक कोनिडिया आपका गोल गोल स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। अगर हम एक कोनिडिया की बात करें तो एक कोनिडिया डबल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, इसकी आउटर वॉल होती है, इनर वॉल होती है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक कोनिडिया को निकाल के यहाँ पर आपको इस पिक्चर में जूम करके दिखाया है। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक कोनिडिया का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन थी और आपको देख रहे होगे कि आपको इसमें दो वॉल दिख रही होंगी। लेट मी चेंज द कलर, वेट अ मिनट। इसमें आपको एक वॉल ये दिख रही है, दूसरी वॉल ये दिख रही है, तो इसमें आपको दो वॉल दिख रही है और बहुत सारे न्यूक्लियस था। हर एक न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म को एग्रीगेट कर लिया है। तो ये कंडीशन होती है जब एक कोनिडिया उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और हर एक न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म को एग्रीगेट कर लिया हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लीव्ड प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म उसका क्लीव्ड हो गया है और हर एक सेगमेंट ने अपना एक न्यूक्लियस है और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म है। अब ये हर एक सेगमेंट मेटामॉर्फाइज हो जाएगा किस स्ट्रक्चर में, ये मेटामॉर्फाइज हो जाएगा आपका जू स्पोर्स में। मतलब यहाँ पे एक जू स्पोर बनेगा, यहाँ पे दूसरा जू स्पोर बनेगा, यहाँ पे तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, यहाँ पर बहुत सारे जू स्पोर्स अब आपके बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो हर एक स्ट्रक्चर किस में बन गया है, हर एक स्ट्रक्चर जू स्पोर्स में बन गया है। इसका जो जू स्पोर होता है वो आप एक जू स्पोर वो किडनी शेप का होता है, इसके दो फ्लैजला होते हैं, इस वजह से इसको हम बाई फ्लैजलेट जू स्पोर कहते हैं। तो एल्बुगा कुनिडिया कैसा होता है, बाई फ्लैजलेट होता है। एक फ्लैजला में देखोगे आप इसमें हेयर निकला है, टिंसल टाइप होता है ये, और दूसरा जिसमें हेयर नहीं निकला है ये विप्लैश टाइप होता है। तो दो टाइप के फ्लैजला मिलते हैं इसमें, टिंसल और विप्लैश, इस वजह से इसे हम बाई फ्लैजलेट जू स्पोर से कहते हैं। कुछ टाइम के बाद ये कोनिडिया की जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है और जितने भी इसके अंदर जू स्पोर्स बने हैं ये सारे के सारे बाहर आपको रिलीज होते हुए दिख रहेंगे। जब ये रिलीज हो जाते हैं तो ये जो आपका कोनिडिया था वो एम्प्टी हो गया है, अब ये खाली हो गया है। हर एक जू स्पोर थोड़ी देर तक पानी में स्विम करेगा, स्विम करने के बाद ये अपने फ्लैजुला को विड्रॉ करेगा, मतलब लॉस कर देगा, और ये एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके बाहर की तरफ थोड़ा सा मोटी वॉल हो जाएगी। जब ये से वापस इन्फेक्शन करना है तो ये होस्ट टिश्यू को ढूंढेगा, उसके ऊपर अगेन लीफ पड़ी है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा है, ये वहां जाएगा, सेटल डाउन होगा और जर्म ट्यूब निकालकर फिर से इन्फेक्शन को ये कॉज करेगा। इस तरीके से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है जिसमें किसी भी तरीके का एंथ्रीडिया और रुगोनिया नहीं बनता है, हेंस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फ्यूजन के अपनी ही लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है एल्बुगो, और ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। एक पिक्चर में आप और देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ये मैंने लीफ का पार्ट दिखाया है, इसमें आपको ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये कोनिडिया प्रेजेंट है। ये कोनिडिया जब निकलते हैं तो ये चेन के मैनर में होते हैं, जो सबसे बड़ा वाला ओल्डेस्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, बेस की तरफ यंगेस्ट होता है। हर एक कोनिडिया के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है जो अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म को एग्रीगेट करता है और वही फिर कन्वर्ट हो जाते हैं जू स्पोर्स में। जू स्पोर बाईफ्लैजलेट होते हैं तो ये वेसिकल से बाहर निकलते हैं जू स्पोर। जब जू स्पोर बाहर निकलते हैं तो सबके पास दो फ्लैजला होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये स्विम करते हैं, स्विम करने के बाद अपने फ्लैजला को ये विड्रॉ करके डीफ्लैजिलेट हो जाते हैं और अगेन ये जर्मिनेट करते हैं, और जब जर्मिनेट करते हैं तो जर्म ट्यूब निकालते हैं और फिर से होस्ट टिश्यू की सेल के अंदर जाके अपना हाइफी बनाते हैं, और इस तरीके से एल्बुगो अपना रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया और रुगोनिया बनेगा। तो सपोज एल्बुगो का ये हाइफी था, हाइफी की एक ब्रांच एंथ्रीडिया बनाएगी, दूसरी ब्रांच रुगोनिया बनाएगी। तो आप पिक्चर्स को आप देख सकते हो, ये जो मैंने एक फर्स्ट वाला डायग्राम में दिखाया है, इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है ये फीमेल ब्रांच कहला रही है, दूसरी वाली ब्रांच मेल ब्रांच कहला रही है। जो फीमेल ब्रांच है ये ग्लोबोज स्ट्रक्चर बनाएगी, गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगी, जो कि आगे जाके यंग उगोनियम बनेगा, और जो मेल ब्रांच थी वो क्लब शेप का एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर बनाएगी। जो उगोनिया होता है वो फीमेल होता है और जो एंथ्रीडिया होता है वो आपको मेल पता ही होगा ये बात। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जब गोल गोल सा उगोनिया बनता है और क्लब शेप एंथ्रीडिया बनता है, तो इनके पास पहले बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी जब होती है तो ये सारे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा फीमेल के पास और एक न्यूक्लियस दिखेगा मेल के पास, मतलब उगोनिया के पास भी सेंटर न्यूक्लियस होता है और एंथ्रीडिया के पास भी। फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें दो कंडीशंस होती हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट।
तो गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में एंथ्रीडिया ओगोनिया पास पास आते हैं, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब मिलती है। इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो जाती है। जब साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होती है, मान लीजिए इसका साइटोप्लाज्म मैंने ग्रीन से दिखाया है, इसका मैंने यहाँ पे पर्पल से दिखाया है, जब मिक्सिंग हो गई दोनों के साइटोप्लाज्म की, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो जाती है। जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है तो इसका सेंटर का न्यूक्लियस, इसका सेंटर का न्यूक्लियस इस ट्यूब से आता है और यहाँ पर दोनों का फ्यूजन हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं कैरियोगैमी। तो आपको पता है जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो कैरियोगैमी कहलाता है, जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो प्लाज्मोगैमी कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, जब इसमें फ्यूजन हो रहा होता है उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है आपका यहाँ पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं टू एन जाइगोट या ऊ स्पोर। अब ये कैसे बना है जरा इस चीज को समझिएगा, इस चीज को मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ डायग्राम से थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए ये मैंने बनाया था ऊगोनिया और इसके बगल में था एंथ्रीडिया, इसके पास भी एक न्यूक्लियस था, इसके पास भी एक न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस भी एन था, इसका न्यूक्लियस भी एन था, ये दोनों पास आए। जब ये दोनों पास आए तो यहाँ पर इनके बीच में कॉन्टैक्ट हुआ और फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। इस मेल वाले का न्यूक्लियस इसके पास चला आया, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्या देखा गया कि जो उगोनिया है, उगोनिया के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए हैं। तो जब एन एन का फ्यूजन हुआ तो ये क्या बन गया, आपका टू एन स्ट्रक्चर बन गया और इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऊस्पोर, ठीक है, या फिर इसको हम दूसरा नाम देंगे जायगोट। अब ये क्या होता है, इस जायगोट में ऊस्पोर में मियोसिस डिवीजन होगी और आपको पता है मियोसिस डिवीजन से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर से चार स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ऊगोनिया के अंदर जब इस न्यूक्लियस से मियोसिस डिवीजन होती है, चार न्यूक्लियस बनते हैं, फिर इसमें माइटोसिस होती है, तो चार से फिर बन गए आठ, आठ से बन गए सोलह, सोलह से आगे बत्तीस, ऐसे करके बत्तीस न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जब ये बत्तीस न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाते हैं तो हर एक न्यूक्लियस फिर से जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर भी बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाएगा, जूस्पोर अपने ऊस्पोर से बाहर की तरफ निकल के आएगा, ये वेसिकल से आप लोग देख सकते हो, थोड़ी देर तक ये स्विम करेगा, स्विम करने के बाद अपने फ्लैजिला को ये अगेन लॉस कर देगा, डीफ्लैजिलेट हो जाएगा, अपने बाहर की तरफ मोटी वॉल को सिक्रीट कर लेगा। जैसे ही इसे फिर से, ये लीफ है, लीफ के ऊपर पर स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये ओपनिंग है, जैसे ही कोनिडिया इसके ऊपर लैंड करेगा या जूस्पोर जो भी है यहाँ पर डीफ्लैजिलेटेड वो लैंड करेगा, वो जर्म ट्यूब को निकालेगा और अंदर फिर से सरसों के पेड़ों की लीफों के अंदर ये अंदर एंट्री ले लेगा। तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर एंथ्रीडिया एंड उगोनिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंथ्रीडिया और उगोनिया ये ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन है और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, आप लोग याद रखना। इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है जिसमें प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी देखी जाती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के पास मियोसिस डिवीजन फॉलोड बाय माइटोसिस डिवीजन, हैंड जूस्पोर्स आर फॉर्म विच आर हैप्लॉयड इन नेचर, दे स्विम फॉर अ सम टाइम एंड देन डीफ्लैजिलेटेड एंड देन जर्मिनेट बाय फॉर्मेशन ऑफ द जर्मिनेशन ट्यूब। तो इस तरीके से एल्बुगो के अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय एवरीवन।